पिज्जा और पानी पूरी सभी को पसंद है। आज हम एक फ्यूजन रेसिपी बनाने वाले हैं, चीज बर्स्ट पिज्जा बॉम्ब्स। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम चीजी व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस के लिए हमने 2 टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लिया है। बटर मेल्ट होते ही हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट करना है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। इसे अच्छे से हम इसका रॉनेस चला जाए तब तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। हमें दूध थोड़ा थोड़ा कर डालना है और आप चाहो तो इसे विस्क से भी फेंट सकते हो। इसमें कोई भी लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। ग्रेजुअली हमारा सॉस काफी क्रीमी और थिक बन जाएगा। ध्यान में रखिए इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओरिगानो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। चीजी व्हाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। ये सॉस आप ऐसे यूज कर सकते हो, ये काफी टेस्टी है। बट हम इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड चीज डालेंगे एक्स्ट्रा चीजी फ्लेवर देने के लिए। आप चाहो तो इसमें बेसिल या फिर तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो। ध्यान में रखिए कि सॉस की कंसिस्टेंसी थिक ही होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी लिक्विडी हुई तो फिर पूरी में डालने के बाद पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा सॉस हमने साइड में निकाल लिया है और बचे हुए सॉस में हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप प्याज। फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप टमाटर। आपको जो कोई भी वेजिटेबल पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। हमारी चीजी व्हाइट सॉस स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट हमें लगेगी पानी पूरी वाली पूरी। पूरी बनाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं चीज बर्स्ट पिज्जा बॉम्ब्स। सबसे पहले हमने जो चीजी व्हाइट सॉस वाला स्टफिंग बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे पिज्जा पास्ता सॉस। क्विक पिज्जा पास्ता सॉस बनाने की रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहो तो इसमें शेजवान चटनी या फिर नॉर्मल केचप सॉस डाल सकते हो, लेकिन पिज्जा पास्ता सॉस यूज करने से इसका टेस्ट काफी एनहांस हो जाता है। इस पर ग्रेटेड चीज डालकर और थोड़े से हर्ब स्प्रिंकल कर आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन चीज को थोड़ा मेल्ट करने के लिए मैं इसको अवन में बेक करने वाली हूँ। थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस और चीजी व्हाइट सॉस डालकर थोड़े से हर्ब से स्प्रिंकल कर आप इसे एंजॉय करें। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की यूनिक फ्यूजन वाली रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।